कि 15 नवंबर तक गड्ढे भर जाने चाहिए। कौन से गड्ढे भर गए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। केवल स्ट्रीट लाइटों पर आप केवल तिरंगा लाइट लगा देते हैं, उससे हम लोग स्मार्ट नहीं बन सकते। आपने रियली में काम किया है अगर, तो आपको बैनर लगाने की पर्दा लगाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों लगाया आपने पर्दा? मैंने अपने स्वयं के खर्चे से उन लोगों को दवाई दिलवाई, क्योंकि ज़्यादा गरीब लोग थे, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। तो शहर में कम से कम चार हर कोने पर एक एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस चलने लगे तो वहाँ से भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने को मिले। चालान तो अभी इस टाइम पे आप कुछ पूछे मत, जब से ऑनलाइन चालान हुए हैं तब से लोग कहीं और हैं और चालान घर बैठे पहुँच जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे समाजवादी पार्टी से महापौर पद के आवेदक श्रीमान मोहित राठौर जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मोहित जी, सबसे पहला तो इससे पहले कि हम इंटरव्यू में आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो जनता आपको नहीं जानती, एक बार उनको आप अपना परिचय दें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मोहित राठौर और रामनगर में रहता हूँ। छात्र राजनीति से राजनीति लगभग कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी से 2004 से जुड़ा हूँ। 2004 से लगातार पदाधिकारी भी रहा हूँ, हमेशा समाजवादी रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि शायद हमेशा समाजवादी ही रहूँगा। मोहित जी, कितना समय हुआ आपको राजनीति में? देखिए, जब मैं छोटा था लगभग 18 साल का, तो 2004 में जब चुनाव हुए थे रामजल सुमन जी के, तब उस टाइम पर उस टाइम के महानगर अध्यक्ष जियाउल्लाह खान जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो महानगर अध्यक्ष थे उस टाइम पर। उन्होंने मुझे वार्ड का अध्यक्ष बनाया था सबसे पहले। अच्छा, तो जब वार्ड का वोटर हुए तभी से वार्ड के अध्यक्ष हो गए? वोटर में बाद में हुआ। अच्छा, वोटर बाद में हुआ मैं, लेकिन वार्ड का अध्यक्ष पहले हो गया था जी। तो वार्ड का अध्यक्ष जब मैं बना तो लोगों की जो समस्याएं थी, तो लोग मेरे पास समस्या कुछ लेके आते थे, तो कुछ समस्याओं को तो मैं हल करा भी दिया, कुछ को नहीं भी करा पाया, लेकिन जिन लोगों की समस्याओं को मैंने हल करा दिया था उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि उसी दिन से कि मैं भविष्य में भी राजनीति में ही रहूँगा, राजनीति करूँगा भी। उसके बाद में 2007 में मैं लोहिया वाहिनी का जिला सचिव रहा, 2011 में मैं जिला का उपाध्यक्ष रहा युवजन सभा का। उस टाइम के जो जिला अध्यक्ष अंशुल विक्रम सिंह हैप्पी थे, उनके साथ काफ़ी टाइम काम किया हमने। अच्छा, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी मैं समाज की राजनीति, समाज सेवा करना काफ़ी टाइम से लगा रहा और लोगों के बीच रहा, और आज भी आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हर लोग जो संभव मदद लोगों की हो सकती है वो संभव मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मोहित जी, आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में आपने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा मेरे ख्याल से? नहीं लड़ा है ना, तो अब सीधा सीधा नगर के प्रथम नागरिक का चुनाव, महापौर का चुनाव? देखिए, कोई भी काम होता है वो पहली बार ही होता है। मैं आपके न्यूज चैनल में आया हूँ तो शायद पहली बार ही आया हूँ जी। तो जो भी आदेश होगा अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, अगर आदेश ऊपर से मिलता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, यहाँ के पूर्व सांसद माननीय अक्षय यादव जी का, और यहाँ के प्रभारी, नगर निगम के प्रभारी श्री राकेश राठौर जी, पूर्व विधायक सीतापुर के, उन सभी लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहता है, अगर वो लोग मुझ पर विश्वास जताते हैं तो मैं पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा और आशा करता हूँ ये चुनाव उनको जीत कर भी दिखाऊंगा। चलिए, वर्तमान महापौर जो हैं वो भी राठौर समाज से हैं जी, और आप भी राठौर समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो राठौर का वोट है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, देखिए, लोग युवा शक्ति पर, युवा सोच पर वोट देते हैं। लोगों ने जब पहले भाजपा के मेयर नूतन राठौर जी को वोट दिया था तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये युवा सोच की तरह से काम करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, या हो सकता है कि शायद वो भाजपा में जाने की वजह से, जब भाजपा से चुनाव लड़ी तो उनकी जो सोच शक्ति है उनकी, वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो गई है, और उन्होंने युवा सोच की तरह काम नहीं किया, और जो काम होने चाहिए थे सच में वो काम नहीं किया। नहीं, ऐसा कैसे हुआ? वो तो योगी जी कह रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई भाई, ऊपर भी नीचे भी,
और नगर में भी सब जगह भाजपा ही भाजपा है, तो काम अच्छा होना चाहिए था फिर तो। काम अच्छा होना चाहिए था तो योगी जी ने आप ये भी आदेश दिया था कि 15 नवंबर तक गड्ढे भर जाने चाहिए। कौन से गड्ढे भर गए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कौन से गड्ढे शहर में, आपको किस क्षेत्र में आपको गड्ढे दिखाऊँ, किस गली में गड्ढे दिखाऊँ? नहीं, शहर तो स्मार्ट हो गया है, हर जगह रोडें बढ़िया बन गई हैं। आपके स्मार्ट कहने से या मेरे स्मार्ट कहने से शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। स्मार्ट बनाने के लिए हमें बहुत कार्य करने पड़ेंगे। केवल स्ट्रीट लाइटों पर आप केवल तिरंगा लाइट लगा देते हैं, उससे हम लोग स्मार्ट नहीं बन सकते। स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट जैसा काम करना पड़ेगा। चलिए, क्या काम करना पड़ेगा स्मार्ट के लिए? आप ये देखिए, उसमें काम हुआ गया है। आप अगर नई आबादी क्षेत्र आइए, केवल आप क्या सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमें केवल हम गांधी पार्क का जो मेन रोड है जहाँ पर अधिकारी केवल वहीं आते हैं, वहीं से निकल जाते हैं, या कोई बड़ा नेता आता है तो उसी क्षेत्र से आगे निकल जाता है, केवल उसको हम चमका देंगे या उसको हम केवल हाईलाइट कर देंगे तो उससे हम स्मार्ट सिटी का नाम रख सकते हैं। स्मार्ट सिटी मेरे मायनों में तब होगी जब हर घर में स्वच्छ जल जाए। कोई भी गली जो छोटे से, जब बारिश हो जाती है तो बारिश में जल भराव हो जाता है, वहाँ जल भराव ना हो। आप किसी भी क्षेत्र में, मैं कहता हूँ चाहे वो हिंदू क्षेत्र हो, चाहे मुसलमान क्षेत्र हो, चाहे वो सपा का वोट बैंक का क्षेत्र हो, चाहे भाजपा का वोट बैंक का क्षेत्र हो, अच्छा आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जल भराव की समस्या हर जगह पर है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, कहना तो नहीं चाहिए, हाँ, हमारे नगर निगम के तरफ से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे जिले के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आए थे जी। तो जल भराव को छिपाने के लिए उन्होंने साइड में लगा दिए थे बैनर टाइप के, जो पर्दा लगा दिया था जी। कि उन्हें उनकी नाकामी ना दिखे, केवल उन्हें स्वच्छता ही स्वच्छता दिखे। अरे अगर आपको अपना काम दिखाना था, आपने रियली में काम किया है अगर, तो आपको बैनर लगाने की, पर्दा लगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों लगाया आपने पर्दा? पर्दा तो कुछ ना कुछ छिपाने के लिए ही लगाया जाता है। जो पर्दे में काम होते हैं वो अच्छे काम भी नहीं होते हैं मुझे लगता है। जो तो पर्दे, उस तरह के पर्दे लगाए ना, वो ठीक नहीं है। अगर आपने सही काम किया होता, अच्छा काम किया होता, तो आपको आज पर्दे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पर्दे वैसे स्टेशन रोड पर भी लगे थे, कई जगह लगे थे, इससे पहले जब वहाँ पर आए थे जेल साइड में, तब भी लगे थे वहाँ पर पर्दे। हर जगह पर्दे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, बस केवल पर्दे लगा दो। और तो इससे क्या मुख्यमंत्री जी समझे नहीं होंगे कि पर्दे क्यों लगे हैं? उन्हें दिखाई देता होगा, अगर उन्हें दिखाई देता तो जरूर कुछ ना कुछ सख्त आदेश देते वो। जब उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो आदेश क्यों देंगे फिर वो? चलिए, शहर में आप क्या कमियां मानते हैं कि अगर आप यानी समाजवादी पार्टी अगर महापौर बनती है तो उन कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे? यहाँ अभी व्यवस्था कौन सी अच्छी है? मुझे तो लगता है कि हर क्षेत्र में काम की जरूरत है, हर क्षेत्र में। कौन सा ऐसा काम है जो सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है? जैसे आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए। स्वास्थ्य में अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर छोटी सी भी अगर कोई बीमारी होती है तो उसको पहले तो दवाई नहीं मिलेगी, और उससे अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी है उसको तो तुरंत आगरा रेफर कर दिया जाएगा। अगर आप स्मार्ट सिटी का दर्जा उसको दे रहे हैं तो जो नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए आगरा क्यों रेफर किया जाता है? कम से कम इतना तो होना चाहिए कि लोगों को यहाँ स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए उनको। यहाँ आप जाएंगे तो रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिल सकता आपको। एक कुछ दिन पहले की घटना थी, उस घटने में दो युवक, एक युवक और उनकी बच्ची और उनकी पत्नी, तीन लोग जल गए थे। अच्छा, उसमें उन लोगों की मदद नहीं हो पा रही थी, उन लोगों को दवाई ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा था। मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया, काफ़ी कोशिश करी मैंने लेकिन उनको दवाई फिर भी हॉस्पिटल से नहीं मिल पाई। अच्छा, फिर मैंने अपने स्वयं के खर्चे से उन लोगों को दवाई दिलवाई, क्योंकि ज़्यादा गरीब लोग थे वो, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। उनको दवाई दिलवाई, दवाई दिलवाने के बाद आज भी उनका फ़ोन आता है, मुझे इतना धन्यवाद कहते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची बच गई। तो जब उनका फ़ोन आता है तो बड़ा खुश लगता है कि चलो मैंने जो भी कुछ किया, कोई भी काम किया, बहुत अच्छी जगह किया और बहुत सही जगह किया। तो अभी आपको फिरोजाबाद नगर में जैसे पानी की अभी आपने बात की, तो पानी में क्या कमी दिखती है? आपने कहा कि स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचना चाहिए, अभी नहीं पहुंच रहा है। देखिए, स्वच्छ जल वहां से निकलता जरूर है,
लेकिन हर घर तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूटी हुई है। जब पाइपलाइन टूटी होती है तो उसमें जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी मिक्स हो जाता है, तो लोगों के पास में जब पानी पहुंचता है वो, तो ज्यादातर गंदा पानी पहुंचता है। यहाँ तक कि रामनगर क्षेत्र में भी आप पीछे की साइड में जाइएगा, बिश्नु नगला की साइड में, आपको आज भी वहाँ गंदा पानी पीने को मिल रहा है। कई दिन से लोगों ने शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी गंदा ही मिल रहा है अभी। और केवल रामनगर की नहीं, ये शहर की काफी जगह की समस्या है। साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा। अगर कोई पाइपलाइन टूट जाती है तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि उस पानी पाइपलाइन को तुरंत से तुरंत रिपेयर करा दिया जाए। तो जो गंदा पानी है जो उसमें मिल नहीं पाएगा, और लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचेगा, उससे लोगों में बीमारियां नहीं होंगी और काफी सुधार भी होंगे स्वास्थ्य में। चलिए, आपने बताया कि सिर्फ LED लगाने से शहर स्मार्ट नहीं होगा, शहर को स्मार्ट करने के लिए और भी काम करने पड़ेंगे, जैसे स्वच्छ पानी देना पड़ेगा। आपने बात की कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोगों को, जैसा कि मुझे लगता है कि शायद एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप का खोलना चाहिए वहां पर, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खोला है। मैं बात पार्टी की नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे जो होते हैं, जैसे कि जिनके केस बिगड़ जाते हैं झोला छाप डॉक्टर की वजह से, तो अगर मोहल्ला क्लिनिक होगा तो वो लोग झोला छाप पर नया करके मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे। जिनको नॉर्मल अभी भी हर लगभग काफी जगहों पे शहर में कई सारे ऐसे चीज खोले गए हैं जिसमें प्राथमिक सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो खोले गए हैं, उनमें भी यही मोहल्ला क्लिनिक जैसी ही व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सभी जगह पे नहीं है वो, वो कुछ कुछ जगह पे चिन्हित जगह पे है, सभी जगहों पे नहीं है। उससे क्या होगा कि जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया भी, झोला छाप पर जाते हैं, वो झोला छाप पर ना जा करके वो सरकारी डॉक्टर से दवाई लेंगे, और उसमें ज़्यादातर लोगों के जो केस बिगड़ जाते हैं वो केस बिगड़ेंगे नहीं। अगर उन्हें लगता है कि सरकारी डॉक्टर होगा तो सरकारी डॉक्टर अपने हिसाब से देखेगा, अच्छा डॉक्टर होगा वो, तो जब उन्हें लगता है कि ये केस हमारे हैंडल नहीं हो रहा तो आगे रेफर कर देगा उसको। उससे जो स्वास्थ्य संबंधी जो लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। चलिए, शिक्षा में क्या, शिक्षा में मेरे हिसाब से हर मोहल्ले में, अगर आप मोहल्ले में अगर नहीं कर सकते हैं तो शहर में कम चार हर कोने पर एक एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए लाइब्रेरी, जिससे कि जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी, मुझे लगता है कि प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं है। अगर लाइब्रेरी होती है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको बाहर से किताब खरीदना पड़ता है, या कुछ गरीब छात्र होते हैं वो, उनको पिताजी की या बाप की तरफ से ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं, उनको किताब की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनसे उनको बहुत लाभ होगा। और जो प्राइवेट जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको भी थोड़ा सा एक तरह से मॉडर्न करने की ज़रूरत है। आज एक मॉडर्न करने की ज़रूरत है कि जैसे कि स्मार्ट क्लासें आज प्राइवेट स्कूल में चलती हैं, अगर वही थोड़ा सा सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसा अनुदान मिले या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासें चलने लगें, तो वहाँ से भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ठीक है, सफाई के क्षेत्र में क्या कमी देखते हैं? सफाई के क्षेत्र में आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि वैसे दो दिन से तो अभी झाड़ू लगी नहीं रही, क्योंकि वो कर्मचारी की हड़ताल है इसलिए, लेकिन जो कूड़ा उठता है वो कूड़ा काफ़ी लेट उठता है, उसकी वजह से काफ़ी टाइम, काफ़ी बार मैंने भी देखा है जो मार्केट के जो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जाम हमेशा रहता है, जाम की समस्या तो लोगों को मुझे लगता है पूरे शहर की है, और हमेशा जाम लगा ही रहता है कहीं ना कहीं से। अगर आप 10 मिनट में कहीं पहुँचना चाहो तो 10 मिनट में नहीं, कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा उसमें पहुँचने के लिए। तो जो जाम वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ से आपको या तो सुबह जल्दी कूड़ा उठाया जाए जिससे कि वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे कि आप चंदवार गेट क्षेत्र पर चले जाइएगा, चंदवार गेट क्षेत्र पर एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर जो गाड़ी जाती है वो 10-11 बजे के लगभग जाती है, 10-11 बजे करीब जब गाड़ी जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़, जाम लग जाता है, क्योंकि कूलर उठाने में टाइम भी लगता है, तो जाम दोनों तरफ से लग जाता है, फिर वो जाम घंटों लगा रहता है, उसकी वजह से हम सभी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अगर कूड़ा समय से उठाया जाए, यानी या अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में, जी तो ये समस्या खत्म हो सकती है। ठीक है, और जाम की समस्या जो चौराहों पर हम देखते हैं कि तमाम जो चौराहे हैं, जैसे जलेसर रोड का चौराहा है, कोटला चुगी का चौराहा है, या फिर बर्फ खाने का चौराहा है,
या सेंट्रल चौराहा है, इन जगहों पर भी बहुत जाम रहता है, वो वहाँ पर क्या समस्या है? वो दिन दिन में भी जाम रहता है वहाँ पर, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, जाम की जो मेन समस्या, जैसे कि मुझे लगता है कि कुछ जाम तो हम लोगों की वजह से ही लगता है, क्योंकि वहाँ के जो दुकानदार हैं वो अपना फल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग भी अपनी उसको थोड़ा रखें, तो जो फल है उसको ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, थोड़ा अंदर ही अंदर को उसको लगाएं। और वहाँ से अगर जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नाले निकले हुए हैं और वहाँ चौराहा भी है, अगर उन नालों को पटवा दिया जाए, उन नालों को पटवा दिया जाए और उनको रेहड़ी वालों के लिए, जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए उसको, तो उससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो सफाई थोड़ा अच्छा रहेगी और जो रेहड़ी वालों का जो फल होता है वो उनका परमानेंट हो जाएगा वहाँ पर, परमानेंट हो जाएगा और जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी वहाँ पर, जैसा कि मुझे लगता है। जी चलिए, इसके अलावा अब आपके अगर आप महापौर बनते हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आए हैं? आप क्या क्या मुद्दे आप जनता के सामने रखते हैं कि मुझे इसलिए चुना जाए अगर आपको टिकट मिलती है तो? ये मुद्दों का शहर है जी, जैसा कि मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आप जाइएगा, मैं आपको सब बता चुका हूँ, हर क्षेत्र में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। एक बार शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए। शॉर्ट लिस्ट मैंने आपको बताया, जाम की समस्या है, हालांकि पार्किंग अभी बना दी गई है लेकिन पार्किंग को सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जो फिरोजाबाद में, आपकी चंद्रमा से एक चीज बना कहना चाहूँगा मैं जी, जो चौराहे पर रेड लाइट ग्रीन लाइट जो लगी हुई है जी, उसमें भी थोड़ी सी मुझे कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था कम है उसमें। जैसे कि आप कभी आशाबाद की तरफ से बस स्टैंड की तरफ आइएगा तो जाटापुरी चौराहे पर और बलीनगर चौराहे पर आपको दो रेड लाइट मिलती हैं जी। उन दो रेड लाइट में आप जब जो हाईवे वाला जो रास्ता है वो केवल 30 सेकंड के लिए या अब 45 सेकंड के लिए खुलने लगा, कुछ टाइम से 30 सेकंड के लिए वो खुलता है, अब 45 सेकंड के लिए खुलने लगा है। और जो साइड वाला रास्ता है जो आमने सामने वाला, वो 120 सेकंड के लिए खुलता है। और जो 30 सेकंड के लिए भी खुलता है उसमें भी लोग इधर उधर से पार करते हैं उसको, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है जो हाईवे चलने वाले लोग होते हैं, उससे उसकी वजह से जाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद उसको दोनों को 60-60 सेकंड के लिए किया जाना चाहिए। अगर 60-60 सेकंड का दोनों तरफ से हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि जाम की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। और वहाँ के जो पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक रखें, केवल चालान काटने से लोग समझते नहीं हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक भी करना पड़ेगा हमें। चालान तो अभी इस टाइम पर आप पूछो ही मत, जब से ऑनलाइन चालान हुए हैं तब से लोग कहीं और हैं और चालान घर बैठे पहुंच जाता है। तो ITMS ये सारी जो हमारी यहाँ शहर की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो सब ITMS से, जो स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट नगर निगम में आया है उसके तहत लगी हुई है, यानी उसका नाम ही है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो तो इंटेलिजेंट है, वो तो इतना उसके अंदर इतना बुद्धि है कि वो कर सकता है कि कहाँ पर कितना जाम को रोकना है, कहाँ पर कितना ट्रैफिक चलाना है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो प्रमुख समस्या यहाँ पे आ रही है और वहाँ के लोगों से, हम भी जब डेली वहाँ से निकलते हैं तो हमें भी जो समस्या आ रही है और लोगों को भी जो समस्या आ रही है, उन लोगों से मेरी बात की तब ये बात मैंने आपको बताया कि ये समस्या है। और अगर हम उस विभाग के पास भी जाएंगे उनसे भी कहेंगे कि आप दोबारा इस पर गौर करिएगा एक बार, अगर वो सही है तो आप चालू करिएगा और नहीं सही है तो आप बताइए क्यों सही नहीं है, हम कहाँ गलत हैं। जी चलिए, तो चलते चलते अंतिम कोई अपील आप हमारे दर्शकों से करना चाहें, जनता से जो करना चाहें अपील या कोई संदेश आप देना चाहें। मैं इस बार अगर समाजवादी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं आशा करता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जैसा कि अभी तक नहीं हुआ, जैसे कि आज एक टेक्निकल ज़माना है और हर चीज़ टेक्निक के साथ चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि जो नगर निगम में कुछ लोग अब जैसे कि शिकायत करने के लिए आते हैं, वो लोग शिकायत पूरी तरह से उनकी नहीं हो पाती है, तो एक ऐप बनाया जाना चाहिए नगर निगम के लिए केवल ओनली, जिसमें ऑनलाइन केवल नगर निगम की ही, जो नगर निगम के दायरे में जो परेशानियां आ रही हैं वो नॉर्मल व्यक्ति घर बैठे भी कर सके। उससे हमें तुरंत डायरेक्ट जो भी महापौर होगा उस टाइम पर
उसको तुरंत पता चलेगा कि यहाँ हमारी ये समस्या आ रही है। कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ समस्याएं होती हैं वो हमें पता ही नहीं चल पाती हैं, तो हम उसका निराकरण नहीं करा पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐप का कोई ऐसा ऐप मार्केट में लाना चाहिए हमें नगर निगम के लिए स्पेशली, कि जिससे कि लोग जो अपनी समस्याएं हैं वो तुरंत हमें बता सकें। और आज मुझे लगता है कि शायद शहर में सभी लोग, ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, तुरंत अपनी समस्या को हल बता भी देंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें फील्ड में काम करने का मौका भी मिलेगा और लोगों का समय भी बचेगा। उससे सभी लोगों से मैं तरफ से कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं आप लोग मेरी मदद करिएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपको श्रीमान मोहित राठौर जी का ये हमारे साथ चर्चा पसंद आई होगी, और आपको उनके वादे दावे के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हमें इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद सर मोहित जी। धन्यवाद सभी लोगों का।